Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon. रावण को वरदान है, वह दस शीश है, उसके जितने शीश उतारेंगे उतने ही आते जाएंगे। रावण की मृत्यु का सिर्फ एक ही उपाय है, रावण की नाभि में अमृत है, आप कुशलदान चलाकर उस अमृत को सुखा दीजिए, रावण का तुरंत अंत हो जाएगा। प्रभु समझता हूँ कि रामलीला तो अपने आप में हमेशा ही विख्यात रही हैं, प्रख्यात रही हैं, लेकिन मुकेश जी और सुधा जी का जिस तरह से उनकी लगन है, उनकी मेहनत है, उनकी कर्मठता है और उस सबसे ऊपर उनकी जो विनम्रता है, वो इस रामलीला में चार चांद लगाती है। बहुत अच्छा मंचन तमाम कलाकारों ने किया है, उनको भी बहुत बहुत बधाई, और रामलीला के तमाम जो यहाँ पर कार्यकर्ता रहे उनको बहुत बहुत बधाई और अगली बार के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बहुत सालों से देख रही थी क्योंकि मैं द्वारका में ही रहती हूँ, मैं देखती थी कि यहाँ पे होता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन आज पहली बार मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। सुधा जी और उन अंकल दोनों घर पे आए थे, उन्होंने बहुत अच्छे से बात की और इनवाइट किया, तो हम बिल्कुल बहुत एक्साइटेड थे यहाँ पे आने के लिए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत सारी भीड़ है यहाँ पे, मैंने गाना भी गाया, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहोगे इस रामलीला में अपने लिए, सबके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? सबके लिए सब अच्छे अच्छे काम करते रहे, सबके लाइफ में से नेगेटिविटी चली जाए, सिर्फ पॉजिटिविटी रहे, इस चीज़ का होप करती हूँ और सब लोगों के लिए अच्छा अच्छा। सुशीला जी क्या कहना चाहेंगे इस रामलीला के बारे में? सबको रामलीला है, मुकेश सिन्हा जी का लगातार सच्चा रो रहा है, एक बॉलीवुड एक्टर के नाते
आपको कुछ बताना चाहूँगा राम जी के बारे में। राम जी की रजा मुराद पे हमेशा बहुत कृपा रही है। मेरा जो पूरा नाम है वो रजा अली मुराद है। नाम लंबा था तो अली निकाल दिया मैंने, रजा मुराद रख लिया। लेकिन जो मेरा स्कूल का पूरा नाम है वो रजा आर अली ए और मुराद एम, तो मेरे जो इनिशियल्स हैं वो आर ए एम राम है। मुझे जो पहला जिस इंसान ने ब्रेक दिया उसका नाम था बाबू राम इशारा, और मेरा जो वतन है वो है रामपुर। मेरी जिंदगी की जो सबसे बड़ी हिट फिल्म है वो है राम तेरी गंगा मैली। मेरी जिंदगी का एक और बहुत बड़ा यादगार रोल है राम लखन में, राम लखन में सर जॉन का। और मेरी जिंदगी की जो सबसे तीन हिट बड़ी फिल्में हैं राम तेरी गंगा मैली, राम लखन और रामलीला। तो राम जी की मुझ पे हमेशा कृपा रही है। जी, राम जी की बड़ी कृपा रही है। आप इस रामलीला में भी आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? 17 साल से मुकेश सिन्हा जी इस रामलीला को मंचन कर रहे हैं, मुकेश जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मुझे इनसे शिकायत है, इन्होंने मुझे इतनी देर से क्यों बुलाया। चलिए मैं उनको माफ करता हूँ, देर आए दुरुस्त आए, इट्स नेवर टू लेट। तो अब मैं आता रहूँगा। जैसा कि मैंने कहा कि दशहरा जो है महज एक त्यौहार नहीं है, ये एक नसीहत है, ये एक सीख है कि बुराई का, घमंड का, गुरूर का और किसी पराई स्त्री पर बुरी नज़र रखने वाले का बहुत बुरा अंत होता है। तो ये पूरी दुनिया के लिए सीख है और हर जगह बहुत ही जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। जो इंसान परलोक सुधारते हैं उनका अंतिम संस्कार होता है, उनका उन्हें जलाकर। लेकिन क्योंकि ये गलत बंदा था, स्वर्गवास होने के बाद लोगों का अंतिम संस्कार होता है, लेकिन ये क्योंकि गलत इंसान था इसलिए इसे जिंदा जलाया गया। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है पूरी दुनिया के लिए। लाइक, शेयर एंड कमेंट। टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।